श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। शब्दार्थ बाय श्रील प्रभुपाद। अथ यदि फिर भी च भी एनम इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला नित्यम सदैव के लिए वा अथवा मन्य से तुम ऐसा सोचते हो मृतम मृत तथापि फिर भी त्वम तुम महाबाहो हे शूरवीर न कभी नहीं एनम आत्मा के विषय में शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अर्थात जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि कैसे वो अजर अमर है और जितने भी लोग यहाँ हैं खड़े युद्ध भूमि में सब अमर हैं और जितने भी जीव हैं वो सब भी अमर हैं क्योंकि वो सब आत्मा है शरीर नहीं है। तो जब ये बता रहे थे हरे कृष्णा, तो जब भगवान ये बता रहे थे तो अर्जुन समझा नहीं समझा कुछ भी हो सकता है, इसलिए भगवान ने कहा यदि तुम ये मानते हो कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, यदि तुम ऐसा मानते हो कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और कुछ भी अमर नित्य शाश्वत होता नहीं है, बस हम जन्म लिए और हम मर जाएंगे और हम समाप्त हो जाएंगे, यदि तुम ऐसा भी सोचते हो तो भी तुम्हें शोक करने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताते हैं परपोट में कि जैसे अगर हम पंच महाभूत से मिलके बने हुए हैं तो कुछ केमिकल्स है जो नष्ट हो जाएगा तो उसके लिए क्यों चिंता करना, ठीक है। और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब लाइव वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी हम श्लोका के ऊपर फोकस करेंगे। अथ चैनम अकेला सिंगल सिंगल शब्द है और नित्य जातम दो शब्द है परंतु साथ में लिखा हुआ है। जातम का मतलब होता है उत्पन्न होना जन्म लेना जातम, तो नित्य जातम, फिर नित्यम वा मन्यसे मृतम, ये सारे शब्द सिंगल हैं। तथापि त्वं महाबाहो ये भी सिंगल शब्द है। न एनम दो शब्द है जिसको जोड़ा गया है जिससे हो जाता है नैनम, और शोचितुम और अर्हसि दो शब्द है जिसको संधि किया गया है जिससे हो गया शोचितुम अर्हसि। तो श्लोक में हमें दो बार रुकना होता है, चार बार रुकना होगा, दो बार तो दो लाइन है इसलिए रुकना होगा और दो बार छोटा सा पॉज। अथ चैनम नित्य जातम के बाद कोमा लगा सकते हैं आप अपने बुक में या डायरी में, यानी छोटा सा पॉज है वहां पे। फिर नित्यम वा मनुष्य मृतम के बाद बड़ा पॉज होगा, तथापि त्वाम महाबाहो के बाद फिर छोटा पॉज थोड़ा सा रुकना, फिर नैनम शोचितुम अर्हसि के बाद श्लोक समाप्त। तो जो भक्त YouTube देख रहे हैं वो क्या करेंगे, डिफिकल्ट शब्दों को 10 बार बोलेंगे, जैसे चैनम, अगर चैनम लग रहा है डिफिकल्ट तो चैनम चैनम च और एनम को मिला के चैनम हुआ है, ये भी छोटा छोटा दो शब्द है। जैसे वहाँ न और एनम को मिला के नैनम हुआ, वैसे च और एनम को मिला के चैनम हुआ।
जो चैन होता है ना, चैन शांति आराम, वो वाला चैन नहीं है। च और एनम, एनम यानी आत्मा, एनम शब्द का अर्थ आत्मा नहीं होता है। एनम एक प्रोनाउन है, जैसे हम कहते हैं सपोज हम कहते हैं कि गुरु महाराज जा रहे थे, फिर हम कहते हैं उनको ठंड लग रही थी, तो उनको क्या हुआ, उनको का मतलब गुरु महाराज, उनको का मतलब गुरु महाराज नहीं होता है, पर यहाँ पर उनको का मतलब गुरु महाराज। इसी प्रकार आत्मा के बारे में बातें हो रही है, तो इसलिए भगवान जब प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, यानी कि सर्वनाम उसको बोलते हैं हिंदी में तो या संस्कृत में, तो जब सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ आत्मा हो गया, क्योंकि वो आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए एनम का मतलब यहाँ पे होता है इस आत्मा को, तो दो बार आया इस आत्मा को एनम एनम, एक बार च के साथ एक बार न के साथ। सिंपल अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, नयनम यानी नेत्र आँखें, नयन नयन जो होते हैं उसको नयनम बोल सकते हैं ना, अगर संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है तो लगेगा। फिर चैनम का मतलब भी लग सकता है, अरे चैनम मतलब चैन, चैन आराम, नहीं। च एनम चैनम, न एनम नैनम, और एनम यहाँ पे आत्मा के लिए आया है। ठीक, क्लियर हो गया। तो हमें कौन कौन से शब्द को बोलना है बहुत बार, 10 बार, जैसे चैनम बोल सकते हैं, नित्य जातम नित्य जातम नित्य जातम नित्य जातम 10 बार बोल सकते हैं। फिर मन्य से मन्य से मन्य से, मृतम मृतम, ऐसे। फिर जो डिफिकल्ट शब्द है, शोचितुम 10 बार, शोचितुम, और फिर अरहसी अरहसी अरहसी, यहाँ साथ में लिखा है, आप अलग अलग बोलेंगे। मैं क्यों अलग अलग बोलवाती हूँ, कहीं कहीं पर साथ में बोलवाती हूँ, जहाँ पे हमें सुर श्लोका के सुर को या ताल को मिलाने में ज़रूरत है साथ में बोलना, और जहाँ लगता है संभव है कि अलग अलग बोल के भी काम चल जाएगा, वहाँ अलग 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 शब्दों को बोलने से 2 फायदा है। एक फ़ायदा ये है कि आसानी से आप बोल पाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये है कि उसका अर्थ सोचते समय कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि सारे शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन पे जुड़े हैं मेरे से वो अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी मैं श्लोका को 2 बार बोल के सुनाती हूँ। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। हरे कृष्णा।